भवानी सर जो कि जबलपुर से हमारे साथ आए हुए हैं, आज हमारे हेड ऑफिस पे हमारे साथ बैठे हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अभी सभी के साथ, और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया हमें। तो मैं भी बेहद खुश हूँ कि सोनू सर ने कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी के जो नियम थे उन नियमों को पालन करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और आज वो सक्सेसफुली एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। और इंटेंशन ये है कि हम वाटरप्रूफिंग सेगमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। किसी भी कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, ये इंजीनियर प्लस का मोटिव है। सिर्फ पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा एक नया माइलस्टोन सेट करना वाटरप्रूफिंग के अंदर, एक एस लेवल पे ले जाना। जो भी जितनी भी छतें इंडिया में अगर उसमें वाटरप्रूफिंग हो रही हो तो वो इस इंटेंशन के साथ हो कि एक बार हो जाए तो 10 से 12 साल 15 साल उसको देखना नहीं पड़े, इतना मजबूत काम हमको उससे करना है। और उसी फिलॉसफी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए हमको एक टीम की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 130 करोड़ की आबादी है और करोड़ों बिल्डिंग्स हैं देश भर में, और उन सभी बिल्डिंग को एक परमानेंट सॉल्यूशन हमको देना है, एक फुल प्रूफ सिस्टम देना है, एक हसल फ्री, एक टेंशन फ्री, एक पीस ऑफ माइंड वर्किंग देना है। उसके लिए हमको एक बड़ी टीम खड़ी करना है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उनको और 10 गुना ग्रो करवाना है। तो उसके लिए भी हमको पूरा प्लानिंग करना है, तो हम वही सब चीज़ें डे बाय डे करते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और 3 साल आप पूरे कर चुके हैं। पूरा 3 साल में मैंने काफ़ी अच्छा मार्केट भी बनाया, काफ़ी अच्छा काम भी किया है, काफ़ी अच्छा पैसा भी बना चाहिए। तो यही है, और हमें चाहेंगे कि आप जैसे और डेडिकेटेड समर्पित लोग कंपनी के साथ जुड़े अलग अलग लोकेशन, अलग अलग है ना। जैसे अपन जम्मू कश्मीर में भी हमको टीम की आवश्यकता है, सपोज करो तमिलनाडु एरिया है, चेन्नई है, पांडिचेरी है, कोयम्बटूर है, ऐसे ऐसे लोकेशन जहाँ पे अभी हमारे पास ऑथोराइज एप्लीकेटर नहीं है या जो ट्रेन बंदे नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग हमारी कंपनी के साथ एसोसिएशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं, और उसके लिए हमको आप लोगों की सख्त मदद की आवश्यकता है। सर बिल्कुल, मैं तो आई एग्री कही आप मेरे को तो है ना, इस नक्शे में कहीं भी बोली मैं चला जाता हूँ जी। तो होता क्या है, जैसे कोई भी नया बंदा कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि किस प्रकार से उसे लीड्स मिलेगी, कैसे वो एग्जीक्यूट करेगा, वारंटी किस तरीके से कंपनी की तरफ से मिलेगी, और क्या सपोर्ट रहेगा, और अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई इंक्वायरी लॉक नहीं होती है तो कंपनी क्या सपोर्ट करेगी उसको लॉक करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनके काफ़ी सारी जिज्ञासाएँ रहती हैं कि हम लोग कंपनी के साथ जुड़ के कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप आज एक माइलस्टोन है हमारे लिए, है ना। तो आज हम आपको थैंक्स भी करना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मैं आपके लिए मैं कंपनी के लिए इतना करता हूँ, कंपनी मेरे लिए भी बहुत है। मैं आपको धन्यवाद दूँ, आप मुझे धन्यवाद सर, ठीक है। मैं ही आपको भाई, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर भी और कंपनी के साथ जुड़ कर भी। पिछले 3 सालों पर मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काम तो बहुत अच्छा शानदार किया, आपने तो देखा ही है मेरा वीडियो जी। मैं हर एक चीज़ भेजता हूँ पार्टी, मतलब जिसके यहाँ भी काम किया है तभी मेरे को शिकायत, उन्होंने फोन करके ये नहीं बोला कि सर यहाँ पानी आ रहा है, उन्होंने फोन करके बोला भाई साहब हमारे मामा जी के, हमारे चाचा जी के यहाँ जी जबलपुर में काम किया हो तो उनका पटरी में भी काम करते हैं, उन्हीं के रिलेशन है। ओके, काफ़ी अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंजीनियर प्लस की पूरी टीम के लिए मैन लोग का भी बहुत सपोर्ट है, मैन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहता है, रंजीत सर का तो खास करके इसी सपोर्ट रहता है। ऐसी डाउट वाली चीज़ें हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि ग्राहकों के साथ गलत काम नहीं हो, ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम हो, और आप लोगों के साथ भी कुछ गलत नहीं हो, है ना। आपका भी कहीं पेमेंट ब्लॉक नहीं हो, टाइमली आपका पेमेंट बाहर आ जाए, और एक जगह जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको मल्टीपल लीड्स मिले, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं और इसी चीज़ों को हम एक्सपांड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, लास्ट 3 इयर्स में हमारे साथ 250 कॉन्ट्रैक्टर्स पैन इंडिया जुड़े हैं। तो और अभी जो बाकी जगह ना हो तो वहाँ पे भेज दीजिए। हाँ, चला जाऊंगा। आप तो पूरे पैन इंडिया के लिए, लेकिन सर कभी और अदर लोकेशन पे कि आप अवेलेबल ना हो तब के लिए सर चाहते कि और भी लोकेशन से। नहीं नहीं, देखिए आज हम ये मान के चल रहे हैं कि देश भर में कम से कम 10 से 12 करोड़ बिल्डिंग्स हैं,
और हर 8 से 10 साल में हर बिल्डिंग वापस से रिनोवेशन में जाती है, है ना। तो इतना वर्क है कि 250 कॉन्ट्रैक्टर्स से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 1500 से 5000 लोगों की टीम हम लोगों को चाहिएगी देश भर में, और तब जाके हम लोग 5000 तब हम लोग क्विक रिस्पॉन्स कर पाएंगे और अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे और बेहतर एक्सपीरियंस दे पाएंगे हम हमारे कस्टमर्स को। तो उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस काफ़ी वैल्यूबल रहेंगे। जो भी नए एसोसिएशन रहेंगे उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि जो लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। यही सब चीज़ हम लोग आगे भी मैसेज देना चाह रहे हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूँ मैं आपके लिए। आप तो जब मेरे को जैसा बोलूँ वैसा, मैं तो बड़ा खुश हूँ इंजीनियर प्लस से जुड़कर, मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि काफ़ी लोग अच्छे आए और अच्छी टीम भी बने ताकि कोई दिक्कत ना हो। सर रही बात अगर कोई नया एप्लीकेटर आ रहा है किसी अलग लोकेशन में, नया एप्लीकेटर उसको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो रही, अगर पूरी गाइडलाइन की कुछ भी जरूरत पड़े थोड़ी बहुत भी, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि जी आप वहाँ चले जाइए, उनको जो भी गाइडलाइन है मैं दे सकता हूँ, जितना मुझे आपने दिया है मैं वहाँ तो जाकर उतना दे सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, जबलपुर भी हो मध्य प्रदेश क्वालिटी अच्छा बनाइए टीम, और मेरे तरफ से जैसा सपोर्ट बने बताइएगा, मैं भी बहुत सपोर्ट कर सकता हूँ कर सकता हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक यू दूंगी कि इंजीनियर बस में आप आए, इसलिए वेरी थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? मैं सोनू जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंजीनियर बस के हेड ऑफिस पर, और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके भविष्य की जर्नी के लिए, और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आज हमारा जो हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं हमारे परिवार को बड़ा करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि इंजीनियर प्लस के साथ उनकी जर्नी कैसी रही, और बाकी आप खुद ही उनसे जानकारी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये रहेगा कि आप इंजीनियर प्लस से कब जुड़े? मैं इंजीनियर प्लस से 2017 में जुड़ा था। ओके। एक फ्रेंड की शादी के दौरान मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला था, तो मैं यही इंदौर में था, तो मैंने फर्स्ट टाइम 2017 में सर से कंपनी से जुड़ा। तो आपको इंजीनियर प्लस के बारे में पता कैसे चला, मतलब आपने डिजिटल देखा, यूट्यूब देखा, वेबसाइट देखी, कैसे आपको पता? ये मैं एक जगह वर्क कर रहा था और वहाँ पर वर्क करते दौरान मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब पर वीडियो देखा था, क्योंकि मुझे कुछ प्रोडक्ट की जरूरत थी, तो मैं वाटर प्रूफिंग का सर्च कर रहा था, मैंने यूट्यूब पर इंजीनियर प्लस का वीडियो देखा, एंड जब पूरा वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उनमें अपनी कंपनी का नंबर भी लिखा था, इंजीनियर प्लस का नंबर भी था, तो मैंने क्रिएट कॉल कर लिया वहीं से और सर से मेरी बात हुई, तो मैंने बोला था कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो फिर मैं आके आपकी कंपनी से जुड़ूंगा ऐसे तरीके से कंपनी से। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि मतलब इंजीनियर प्लस से जब आप जुड़े तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, या कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? मैम मेरा तो कुछ भी जीरो इन्वेस्टमेंट था, मैंने कंपनी ने मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराई, मुझे साइड मिली, कंपनी ने बोला साइड मिलेगी, साइड मिली और मैंने तुरंत मटेरियल खरीदा और तुरंत यूज़ करा, तो कंपनी ने मुझे बढ़ने के लिए चांस दिया और उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया, और मैंने फर्स्ट लीड उठाई, फर्स्ट काम किया, वहाँ से एडवांस मिला, वो एडवांस से मैंने मटेरियल भी लिया और फिर अपना काम चालू करा, फिर उसके दौरान फिर लिखा दिया। ग्रेट सर, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि इंजीनियर प्लस से जुड़ने के बाद आपकी जर्नी क्या रही, मतलब इंजीनियर प्लस से जब आप जुड़े तो आपका क्या जर्नी रही, पहले आप क्या करते थे, फिर आप इंजीनियर प्लस से जुड़ने के बाद आपने क्या स्टार्ट किया? मैम पहले मैं वाटर प्रूफिंग के साथ पहले पेंटिंग पुट्टी का काम करता था, मेरा काफ़ी पेंटिंग पुट्टी का काम चलता था और बिल्डिंग रिनोवेशन का काम करता था, पर वाटर प्रूफिंग के दुनिया में मैं उतना नहीं था, पर जब से इंजीनियर प्लस से मिला तो आज तो मेरी जर्नी वाटर प्रूफिंग में है, एंड जो पेंटिंग पुट्टी का काम है वो शुरू हो गया है, पर वाटर प्रूफिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जबलपुर में भी प्लस जबलपुर के आसपास शहर के भी 200 किलोमीटर तक मैं करता ही हूँ वाटर प्रूफिंग का भी, तो फिलहाल जर्नी तो मेरी पूरी वाटर प्रूफिंग में जाएगी अब लगता है। और इंजीनियर प्लस के प्रोडक्ट को यदि आप अदर कंपनी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करें तो आप मतलब क्या खासियत बताएंगे इंजीनियर प्लस के प्रोडक्ट? मैं इंजीनियर प्लस का प्रोडक्ट तो 110 कर देंगे, परंतु अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा, इंजीनियर प्लस का केमिकल्स काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी अच्छे हैं,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ है, 15 साल 16 साल की सर्विस है। एंड हम लोग अगर एक्सपीरियंस बोले, कंपनी हमें बोलती है 12 साल 13 साल, हमको करने के बाद वर्तमान ऐसा लगता है कि ये 20 साल नहीं जाएगा, 20 साल की हम गैप, हम खुद एप्लीकेटर वारंटी दे सकते हैं कि 20 साल तक ये नहीं उखड़ेगा। एंड जो तो बाकी कंपनी का 5 साल का हमको वारंटी लेटर देती है। तो अभी तक इंजन प्लस कंपनी के साथ जुड़कर आपने कितने काम किए होंगे और मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? मैम इंजीनियर प्लस के साथ जुड़कर अभी तक तो मैंने अनगिनत काम कर दिया जबलपुर के अंदर। अगर ऐसा ही तो मालूम बामू तो कम से कम तो 50 से 60 साइट कंप्लीट कर चुकी है मैंने, और काफ़ी अच्छा, और बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होती मुझे। अंदर किसी प्रकार का डाउट होता है तो बाकायदा हेल्प होती है मेरी कंपनी के मैम सर, मेरे को डाउट क्लियर कर देते हैं। किसी प्रकार का डाउट होता है छत में एक दीवार में कि सर ऐसा ही है, कैसा करेंगे, कैसा किया जाएगा, ये प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, तो कंपनी वाली हेल्प करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, और इंजीनियर प्लस कंपनी से काम कराने के बाद मतलब कस्टमर्स के क्या फीडबैक होते हैं? आप जैसे काम कंप्लीट कराते हैं कस्टमर्स के कुछ फीडबैक्स होते होंगे सर? कंपनी अगर काम करने कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब हम उनका पूरा क्लियर करके ओके कर देते हैं तो पार्टी का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनको दिखता है क्योंकि छत का जो खूबसूरती आ जाती है और जो काम होता है, कई बार कई छत में हम पानी भरवा के भी चेक कराए जाते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक मंदिर में मैंने काम किया था जैन मंदिर में, तो उन्होंने कम से कम 2.5 महीने पानी भर के रखा था, और फिर वह 2.5 महीने के बाद में उनकी साइड में गया था और वो पानी निकाल के आया था, तो उसका पार्टी बहुत खुश थी और उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो 2.5 महीने पानी भरना मतलब मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात हो गई, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए तो उसके लिए बोल ही नहीं सकता हूँ। तो पार्टियों का भी अच्छा रिएक्शन रहता है, कोई रिसीव करके। और यदि इंजीनियर प्लस के कस्टमर को वारंटी कैसे देते हैं आप? मतलब इंजीनियर प्लस आपकी कुछ हेल्प करती है वारंटी देने में, कैसे सपोर्ट करती है इंजीनियर प्लस? मैं इंजीनियर प्लस मैंने काम कंप्लीट किया, फोन किया, मैम सर कंप्लीट हो गया है, वारंटी लेटर चाहिए, मैम हमको PDF में वारंटी लेटर इशू कर देती है। हम कंपनी का ही वारंटी लेटर देते हैं, काम हम करते हैं परंतु कंपनी ही वारंटी लेटर देती है, और कंपनी देती है, मैं वहाँ जाके पार्टी के सामने दे देता हूँ कि मैम ये आपका वारंटी लेटर आ गया। तो अभी आपका ऐसा लगा कि वारंटी मतलब देने में कभी हिचकिचाहट हुई आपको कि नहीं मैं वारंटी नहीं दे सकता या काम सही नहीं हुआ, ऐसा कभी हिचकिचाहट हुई आपको? और कोई कंपनी होती तो पर डाउट होता है, बट इंजीनियर प्लस ऐसा नहीं, डाउट नहीं होता है, दिल से दिया जाता है, अच्छे से दिया जाता है, मन से कि सर आप ही रख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, तो उसमें डरने वाली बात ही नहीं है कि हम वारंटी लेटर दें कि ना दें, हमारा काम खराब नहीं। आपको कंपनी ने जो टारगेट बताया मटेरियल का कि आपको 1000 स्क्वायर फीट में इतना मटेरियल लगाना, हम उतना ही करते हैं, तो हमको किसी प्रकार का डर नहीं। मतलब आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है कंपनी? हाँ पूरा ट्रेनिंग मिलता है मैम, मेरे को सर मैम जैसा भी डाउट होता है मेरे को सर से फोन करके क्लियर कर लेता हूँ, तो सर हमको सारे अच्छे गाइडलाइन देते हैं, तो कोई डाउट नहीं। और इंजीनियर प्लस ब्रांड में सर ऐसी क्या खासियत है मतलब जो अदर ब्रांड में नहीं है, अदर कंपनी में नहीं है? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इस ब्रांड के बारे में, मतलब कि किसी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, वो यही बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट बहुत है। ओके, और जैसे 7 लेयर 5 लेयर होता है तो कंपनी में 7 लेयर होता है, उसका कुछ लेयर लगता है आपको कि हाँ कंपनी 7 लेयर देती है, अदर कंपनी 4 लेयर है 5 लेयर भी देती है? नहीं मैम, 7 लेयर अगर कंपनी दे रही है तो उसमें प्रोडक्ट के भी दे रही है, अगर अपन प्रोडक्ट भी देखें तो 5 प्रकार के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अगर उस 5 प्रोडक्ट में तो हम अगर एक एक लेयर भी करेंगे तो 5 लेयर तो हमारी वैसी हो जाएगी, परंतु 2 लेयर और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसमें मतलब 7 लेयर बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और इंजीनियर प्लस को यदि रेटिंग देना चाहेंगे तो 5 में से सर आप कितना रेटिंग देंगे? मैम 5 में से 6 ले लीजिए मुझसे, तो मैंने किया भी है रेटिंग 6 दिया है, 5 5 स्टार की रेटिंग है, तो मगर 6 ले लीजिए मैम, तो काफी अच्छा है। और सर इंजीनियर प्लस कंपनी कैसे सपोर्ट करती है, जैसे आप जैसे एप्लीकेटर्स है तो कैसे सपोर्ट करती है एप्लीकेटर का बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए? मैम उसके लिए मैम लोग सर लोग हमें लीड देते हैं, पार्टियों के नंबर देते हैं, जो हम जाते हैं स्वयं देखते हैं तय करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है इंजीनियर प्लस की तरफ से। उसके बाद मटेरियल की जो कॉस्टिंग है उसमें भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, रेट जिसे काफ़ी अच्छे हमको मिलते हैं, जो हम वहाँ पे जाके देते हैं और अपना काम चलाते हैं, तो लीड हमको इतनी मिल जाती है कि हमारा काम चलता है, कंपनी हमें काम देती है, हमें बहुत खुशी मिलती है। और सर आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है इंजीनियर प्लस कंपनी के साथ, आगे आपका क्या प्लानिंग है या क्या डिसाइड करके रखा हुआ अभी तक?
मैम मेरा आगे यही है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहता हूँ कंपनी से जबलपुर में एंड जबलपुर सिटी के और आसपास की सिटी में इंजीनियर का फुल प्रचार करना चाहता हूँ, बस यही है। और सर जैसे आप फाइनेंशियल कैसे आगे बढ़े, जैसे इंजीनियर प्लस कंपनी ने आपको सपोर्ट किया है, आपकी जर्नी क्या रही, कैसे आप आए थे, आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग बने आप और यहाँ तक आज जा कितना इम्प्रेसिव। मैंने आपको बताया ना, मैं पहले नॉर्मल ठेकेदारी का नया चालू किया था तो मैं काम नहीं रहता था, परंतु जब कंपनी से जुड़ा कंपनी ने मुझे फुल सपोर्ट करी और मैंने धीरे धीरे एक काम किया दो काम किया, मैंने पैसे थोड़े थोड़े बचाए, थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहे हर काम से और धीरे 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 कंपनी ने मुझे कंटिन्यू काम दिया। कंटिन्यू जब मेरे को कंपनी काम दे रही थी तो मेरे पास पर्याप्त होता जाता रहा, पैसे अच्छे आने लगे, काम भी अच्छा लगने लगा, मटेरियल भी अच्छा आने लगा, पार्टी भी अच्छा ज़्यादा खुश होने लगे और कंपनी भी इतना सपोर्ट कर देती थी कि मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी है। पिछले 3 सालों से तो मेरी काफ़ी अच्छी है, मैंने डबल स्टोरी का मकान बना लिया है, काफ़ी अच्छा कर लिया है, बैंक बैलेंस भी मेरा अच्छा हुआ है, कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट करी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कंपनी का और आप सभी लोगों का और इंजीनियर प्लस की सारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि और अभी सर जैसे बताएं मुझे कि 250 लोगों की टीम है, मैं चाहता हूँ 10,000 लोगों की टीम हो, 5,000 लोगों की टीम हो और इंजीनियर प्लस तो ब्रांड है। तो अभी सर आपने घर बनाया, आगे आपका क्या प्लानिंग है, आगे क्या लेन करना चाहेंगे? सर मेरा अब मैम आगे का प्लानिंग ये है कि अब मैं एक 4-व्हीलर लेना चाहता हूँ और मेरा छोटा ब्रदर है तो 2025 में उनकी शादी करना चाहता हूँ, तो अभी तो मैं यही कोशिश में लगा हूँ, ये मेरी फैमिली प्लानिंग है। सर की जल्दी हो कम्प्लीट और इंजीनियर प्लस के सर साथ हो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। सर जैसे जबलपुर लोकेशन पर आप एप्लीकेटर हैं, ऐसे सर्च आ रहे कि और भी अदर लोकेशंस पे एप्लीकेटर हो, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैम उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए जुड़िए, बढ़िया काम करिए, एक बार कर देखिए, आपका दिल न खुश हो जाए तो कह दीजिएगा और मैं तो चाहता हूँ कि एक बार करिएगा, मेहनत करिएगा जैसे हम लोग मेहनत करें, 3 साल में हमने कंपनी ने हमारे साथ मेहनत करी, हमने कंपनी के साथ मेहनत करी, ऑनेस्टली है ना, बहुत मेहनत करें और अच्छे से मेहनत करेंगे और कुछ दिनों की मेहनत है उसके बाद आराम से फोन में ऑर्डर आ जाएगा, फोन में सारी चीजें आ जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल जाके विजिट करने की जरूरत है और पार्टी आराम से आप काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ सर के साथ और कंपनी के साथ शेयर करने के लिए और एक इतना अच्छा मैसेज पूरे पैन इंडिया एप्लीकेटर्स को दे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। इंजीनियर प्लस जो कंपनी है उसका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, हमारा सबसे पहला ध्येय है सेटिस्फाइड कस्टमर्स का कस्टमर बेस खड़े करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स बनाना और इंजीनियर प्लस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना। जब भी इंजीनियर प्लस ब्रांड का नाम लिया जाए तो कस्टमर उसे दिल से दुआ दे, दिल से इज्जत करे कि हमने इस ब्रांड से काम किया और हमारा जो हमने पैसा खर्च किया हमें पाई पाई की वसूली मिली और हमने जो भी वर्किंग किया है हम उनसे काफ़ी संतुष्ट हैं और आगे भी अगर इंजीनियर प्लस का भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंजीनियर प्लस प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहेंगे और अगर कंपनी आगे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हम कम इंजीनियर प्लस के ही प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे, हम इस प्रकार का एक माहौल बनाना चाहते हैं और जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं टोटल वर्किंग हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ओरिएंटेड है, हम लोग सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहा है उसे पीस ऑफ माइंड रहे, मन की शांति रहे कि उसने इंजीनियर प्लस कंपनी से काम करवाया है, अब उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है और आगे कोई परेशानी आती है तो उसमें भी कंपनी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसी उसके प्रति ऐसा उसमें विश्वास रहे और इसी चीज़ को करने के लिए हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नित नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हमारी टीम को हम एक्सपांड कर रहे हैं, हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एप्लीकेटर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोग इसी उद्देश्य के लिए जोड़ रहे हैं और इसी चीज़ का हम लोग सभी के साथ मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं और इसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सोनू सर जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उन्हें ऐसो से एक ऐसो उन्हें
एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जो 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 उनकी भावनाएं हैं कि वो इंजीनियर प्लस कंपनी के साथ जुड़ के आगे बढ़े, उन्नति करे, अभी तक उन्होंने जो भी सफलता हासिल की है उससे 10 गुना बड़ी सफलता वो हासिल करे, इस लेवल पे हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और ऐसी शुभकामनाएं मैं उनको प्रेषित करता हूँ कि वो भी कंपनी के साथ मिलकर स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो कंपनी का मिशन है कि हमारे जो ग्राहक है वो भी प्रसन्न रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यही चीज़ मैं उनके साथ शेयर करूंगा। और जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करता हूं कि वो भी इंजीनियर प्लस फैमिली में जुड़े और हमें उनकी सेवा का मौका दे किसी भी रूप में, चाहे वो चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी उनका स्वागत है, अगर वो वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं तो भी हम लोग उनका स्वागत करते हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी और हमारी पूरी टीम डेडिकेटेडली आप सभी को सपोर्ट करेगी। यही चीज़ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।